अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में धूमधाम से योग दिवस मनाया गया, लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर भारत का हाल अफ्रीकी देशों से बेहतर नहीं है। देश तरह तरह की बीमारियों और महामारियों में जकड़ा हुआ है। शरीर को दाई तरफ घुमाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में योग किया जा रहा है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की कहानी बयां करती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत अपनी जीडीपी का महज 1.3% खर्च करता है, जबकि वैश्विक औसत 6% का है। भारत में 11,082 लोगों के लिए महज एक एलोपैथिक डॉक्टर है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में स्थिति बदतर है। बिहार में 28,391, उत्तर प्रदेश में 19,962, झारखंड में 18,518, मध्य प्रदेश में 16,996, छत्तीसगढ़ में 15,916 और कर्नाटक में 13,556 की आबादी पर एक डॉक्टर है। अन्य राज्यों के मुकाबले राजधानी दिल्ली में हालात बेहतर है, जहां 2,203 की आबादी पर एक डॉक्टर है, लेकिन ये अनुपात भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक का आधा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकार प्रति व्यक्ति पर 1,112 रुपए सालाना खर्च करती है, यानी कि हर दिन महज 3 रुपए। देश में शिशु और मातृत्व मृत्यु दर के आंकड़े भी भयावह हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 बच्चों पर 34 है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये दर 38 और शहरी क्षेत्र में 23 है। मातृत्व मृत्यु दर प्रति 10 लाख शिशुओं पर 167 है, लेकिन असम में सबसे ज्यादा 300 है। वहीं मातृत्व मृत्यु दर सबसे कम केरल में है। स्वाइन फ्लू और डेंगू के मरीजों की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। 2016 में देशभर में स्वाइन फ्लू से 1,786 मरीज सामने आए थे, लेकिन अगले साल 2,266 मौतें हुई। इसी तरह 2016 में डेंगू की संख्या 1,29,166 थी, लेकिन 2017 में इसकी संख्या बढ़कर 1,57,996 हो गई। इनके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में दिमागी बुखार से सालाना बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।